हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर, आई होप यू आर एंजॉइंग ऑनलाइन क्लास। टुडे वी स्टार्ट लेसन नंबर 5, लार्जेस्ट सी एनिमल्स, समुद्र में रहने वाले एनिमल्स के बारे में आज जीके में हम लोग पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है आपका जीके, और जीके में आज हम पढ़ेंगे लार्जेस्ट सी एनिमल्स, यानी समुद्र के अंदर जो रहने वाले एनिमल्स हैं उसके कुछ एनिमल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हैं, दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल बोनी फिशेस एंड कैन ग्रो वेट ऑफ मोर देन 2000 किलोग्राम, ऑल्सो नोन एज मोला। इट एंजॉय सनिंग इट सेल्फ एट द सरफेस ऑफ द ओशियन। ओशियन यानी कि महासागर, ठीक है, इसके अंदर ये मछली रहती है जिसका नाम है ओशियन सनफिश। यानी पहले का आंसर होगा ओशियन सनफिश। अब इसमें क्या 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 इसमें क्वालिटीज़ हैं, ये इसका वजन 2000 किलोग्राम तक बढ़ सकता है, यानी 2000 किलोग्राम तक। इसका एक दूसरा नाम मोला भी है, और ये समुद्र के सरफेस पे आके धूप सेकती है, इसीलिए इसे ओशियन सनफिश कहते हैं। ये समुद्र के जो ऊपर वाले पार्ट में ही आकर सूरज की रोशनी से अपने आप को धूप सेकती है, ठीक है। इसका नाम है ओशियन सनफिश। अब नेक्स्ट आते हैं हम, जाइंट मांटा रे, ये क्या है? ये रे एक स्पीसीज है, एक प्रजाति है, एक स्पीसीज समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई 30 फीट लंबी हो सकती है, और ये अपने से अपने जितना इसका वजन है उसका 30% के बराबर का खाना ये हर वीक खाती है, ठीक है ना। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रे स्पीसीज। अब बात आई नेक्स्ट थर्ड एनिमल्स की, वो है व्हेल, किलर व्हेल, इसको ओर्का भी कहते हैं। ये डॉल्फिन के स्पीसीज की होती है। ये सबसे पृथ्वी अर्थ में सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, ठीक है ना, ये एनिमल है, ये व्हेल है, और ये जो समुद्र के अंदर सील होते हैं और छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं उनको ये व्हेल खाती है। अब किलर व्हेल। अब आया फोर्थ पॉइंट, पुर्तगीज मैन ऑफ वार जिसको बोला जाता है। ये इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज ए ग्रुप ऑफ फोर ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट फंक्शन, ठीक है ना। ये ऐसा एनिमल है जो अलग अलग, इसके ऑर्गेन्स चार टाइप में बटे होते हैं और अलग अलग, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। इज रिसेंबल द एंशियंट शिप एट फुल ऑफ सेल। ये बहुत बड़ी होती है, थिन टेंड्रिल्स दैट कैन ग्रो लेंथ ऑफ मोर देन 150 फीट, ठीक है ना। इसमें मोटी मोटी टेंड्रिल्स होती हैं जो 150 फीट से ज़्यादा इसकी लेंथ बढ़ सकता है। इसका नाम है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। अब आई फिफ्थ एनिमल्स की, बास्किंग शार्क, ये भी ओशन में पाया जाता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट वेल शार्क के बाद इस दूसरे नंबर की समुद्र में एक मछली है। ये दूसरे फिश को, फिश के अंडे को, इसका मुंह जो है 1 मीटर तक चौड़ा हो सकता है। इसका नाम है बास्किंग शार्क। फिर आई जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस है वो जो बहुत बड़ा है, पिंक कलर का होता है, रेडिश पिंक कलर का होता है, ठीक है ना। ये जितने भी और ऑक्टोपस हैं उनमें सबसे बड़ा होता है। ये बहुत बुद्धिमान भी होता है, ठीक है ना। इसका नाम है जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। फिर नेक्स्ट है 7, जैपनीज स्पाइडर क्रैब। क्रैब मतलब केकड़ा। ये बीइंग द लार्जेस्ट क्रैब, इस क्रैब में सबसे, यानी केकड़ों में सबसे बड़ा इसकी प्रजाति है, बहुत सबसे बड़ा केकड़ा। इसके 12 फीट होते हैं, 12 पैर होते हैं, ठीक है। और इसको, इसके जो जीवन चक्र है ये 100 साल तक जी सकता है, ठीक है ना। अब इसका नाम है जैपनीज स्पाइडर क्रैब।
फिर आया लॉयन मैन जेली, लार्जेस्ट जेली फिश, ये दुनिया की सबसे बड़ी जेली फिश है। इसका डायमीटर 7 फीट चौड़ा वाइड होता है। टेंटिकल्स यानी जो इसके तंतुएं निकले रहती हैं वो 120 फीट लॉन्ग, 120 फीट तक बड़ी हो सकती है। इट यूज इट्स पावरफुल स्टिंग टू कैच प्रे, ये अपने स्टिंग्स जो कांटे नुमा जो इसके अंदर स्टिंग होते हैं इससे दूसरे जानवरों को ये जेलीफिश खाता है। इसका नाम है लॉयंस मैन जेली। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसके में नोट्स हैं जो पेज मैंने आज पढ़ाया है, इसके मैं फ़ोटो खींच के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कर दूंगा। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, सभी लोग आपस ऑनलाइन क्लास लें, डेली व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें और अपना अटेंडेंस दें। डेली क्लास 4 के स्टूडेंट डेली अपना अटेंडेंस प्रेजेंट सर, सभी लोग जो भी जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनसे भी आप लोग कहेंगे कि ये सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। और यही आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, और सभी लोग बुक्स खरीद लें सब लोग जाके, और ये मेरी आशा है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।